हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में एक नया हेयर पैक शेयर कर रही हूँ ब्रिंगराज का, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक महीने कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो। आप लोग भी चाहते हो कि आपके जो बाल हैं वो बहुत जल्दी से लंबे हो, घने हो और मोटे हो और स्ट्रेट हो, तो आप इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू कर सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है तो उनके लिए मैं रेमेडी एक शेयर करूंगी 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि अभी मॉनसून केयर पे वीडियो जानी है। तो मैंने आप लोग के साथ में ब्रिंगराज का टोनर, टॉनिक और पैक शेयर करना रह रहा था मेरे साथ में, आप लोग के साथ में। तो मैंने कहा चलो ये शेयर कर देती हूँ। ऑयल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो आज आप लोग के साथ में पैक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती कि दीदी आप एटलीस्ट ब्रिंगराज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं DIY वो तो आप शेयर कर दो, जिससे कि हम यूज कर सकते। एक और रह जाएगा ब्रिंगराज का शैम्पू, ठीक है। तो वो शैम्पू को मैं संडे से पहले पहले शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं संडे तक उसको भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो ब्रिंगराज का जो पैक है ये क्या क्या करता है, उसके बाद देखेंगे कि इस पैक को बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये जो पैक है आपके बालों को बहुत ही जल्दी घना करता है। अगर आपके बाल नहीं निकल रहे हैं, एकदम से रुक गए हैं, बढ़ना बंद हो गए हैं, ग्रोथ कम हो चुकी है, तो आपके ये बालों को बहुत ही जल्दी जल्दी से निकालने का, ग्रो करने का काम करता है। उसके बाद से क्या करता है कि आपके बालों को स्ट्रेट करने का काम करता है। आपके बाल अगर एकदम से झड़ने लगे, आपने बहुत सारी चीजें यूज करी, बहुत सारी रेमेडीज यूज करी है, बट आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और झड़ना स्टार्ट हो गया, तो ये उसको रोक करके आपके बालों को बहुत ही जल्दी लंबा, घना और काला भी बनाने का काम करता है। काला बनाने के लिए आप इसमें रतन ज्योत का पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रतन ज्योत का कलौंजी का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, कलौंजी लाकर उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद से आप उसको एक जार में भर के रख दीजिए रतन ज्योत के साथ में। ये चीज उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबके लिए नहीं है, जिनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो इन दोनों पाउडर को मिक्स करके रख सकते हैं, और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें 50 ग्राम के करीब कत्था पाउडर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अच्छे से इसको 2 से 3 चम्मच डाला उसी पैक में, ब्रिंगराज के पैक में, ब्रिंगराज का जो आप पैक बनाओगे उसमें ही आपको 2 से 3 चम्मच डालना है, और उसके बाद से आप अपने बालों में इसको लगा सकते हो। ओवरनाइट आपको बनाकर छोड़ना है, इस पैक को आप नेल में बनाइए और उसके बाद से एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे दिन आपको इसको अप्लाई करना है। बिल्कुल बाल आपके सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, टोनर लगाने के बाद से ही इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद से जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको केवल इसको पानी से वॉश करना है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है ये जानते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसको कब कैसे रखना है, कितने देर रखना है, कितनी बार यूज करना है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या करता है। बालों को स्ट्रेट करने का काम करता है। दूसरा यह है कि अगर आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए तो उनको ये रोक देता है। तीसरा यह है कि आपकी हेयर जो लेंथ है उसकी जो ग्रोथ है उसको बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ाता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, जुए की प्रॉब्लम हो, लीक की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देता है। बाल्डनेस की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देता है। अगर आपके बाल हल्के हैं, पतले हैं, थिक नहीं है, तो आप यहाँ पर ब्रिंगराज के सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। ब्रिंगराज का पैक यूज कीजिए, टॉनिक यूज कीजिए, टोनर यूज कीजिए, ऑयल यूज कीजिए, सारा कुछ यूज कीजिए, शैम्पू भी यूज कीजिए। शैम्पू बस 1 से 2 दिन में मतलब आ जाएगा, मैं भी देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए। गर्मी बहुत हो रही है तो मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूंगी ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। डाइट पर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, बट मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ, कुकुम्बर का जूस पीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप वाटरमेलन का जूस ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। उसके बाद से आप यहाँ पर सौंफ का पानी बना सकते हो, सौंफ वाटर बना सकते हो, सौंफ का ड्रिंक बना सकते हो, अपने बालों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर कीजिए, और हो सके अगर आप कर सकते हो तो आप नारियल पानी जरूर से जरूर पियो, 1 गिलास नारियल पानी आप जरूर पियो। नहीं तो आप यहाँ पर फेन्युग्रीक का ड्रिंक वाटर रेडी कर सकते हो अपनी बालों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, ठीक है। मैं इस पर अच्छे से वीडियो दूंगी डाइट के लिए, बट मैंने यहाँ पर आप लोग को 4 से 5 ऑप्शन दे दिए हैं। आप लोग जिस पे कहोगे उस पे मैं पहले वीडियो ला करके आप लोग को दूंगी ब्लॉग चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग वहां पर चेकआउट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पैक को लगाना कैसे है, और मतलब कि कब तक के लिए रखना है इसको, क्योंकि मैंने आज ही बनाया है रात में, और उसके बाद मैं मॉर्निंग में इसको यूज करूंगी। एप्लीकेशन की वीडियो नेक्स्ट डे आएगी आप लोग के साथ में। ये वीडियो मैं इस समय शूट कर रही हूँ, 1 दिन पहले की वीडियो, ठीक है। तो ये आपको रात में बनाना है, रात में बनाने के बाद आप इसको मॉर्निंग में यूज करोगे, ठीक है। तो आपको कैसे यूज करना है, आपको अपने अच्छे से बालों को क्लीन करना है, हेयर वॉश कर लेना है, शैम्पू वगैरह अच्छे से कर लेना है। जब आपके बाल अच्छे से सूख जाते हैं तब अपने बालों में आप टोनर लगाओगे। टोनर लगाने के बाद इस पैक को लगाना है, केवल इस पैक को लगाना है, इसको लगाकर 2 घंटे रखना है। 2 घंटे बाद आपको केवल नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को रिंस करोगे कलौंजी के पानी से, या फिर आप यहाँ पर लेवेंडर का पानी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर चावल का पानी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर
कोई भी आपका फेवरेट पानी बना सकते हो, मेथी का बना सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका पानी आप बना सकते हो। मींस कि रिंस वाटर बनाना है, रिंस करना है आपको, उसके बाद उसके पानी से बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लोग के साथ में मैं अभी अपनी आफ्टर और बिफोर की फोटो भी सेंड करूंगी, इसी वीडियो में आप लोग देखिएगा डिफरेंस, ठीक है। आप लोग यूज करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और नहीं यूज करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कहने से कुछ नहीं होता, एक महीने करने से कुछ नहीं होता, करो लग के करो, 6 महीने करो, अपने बालों को 6 महीने दो, अपने बालों 6 महीने दोगे आपके बाल बहुत सुंदर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाद में भी आपके जो बाल हैं वो झड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है। सो गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है लोहे का कटोरा या बॉल, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपके पास है। बीटरूट पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों पे थोड़ा सा रेडिश कलर चाहती हूँ, मुझे ब्लैक हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे बाल ब्लैक होना स्टार्ट हो गए थे जब मैंने पैक लगाया था, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहे, तो मुझे ब्लैक बाल अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पर बीटरूट पाउडर कम से कम 4 चम्मच के करीब डाला है, तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको रेड बाल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे मत डालिए, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे भृंगराज का पाउडर। भृंगराज का पाउडर मुझे बहुत पसंद है, और आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो जब सारे प्रोडक्ट्स चले गए हैं इसके, तो भृंगराज का पाउडर भी जो है मेरे पास, इसका पैक शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में इसका शैम्पू भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको भृंगराज पाउडर लेना है। भृंगराज पाउडर आप यहाँ पर ज़्यादा लीजिएगा, कम से कम 10 से 20 चम्मच के करीब लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर 15 चम्मच के करीब लिया है। तो आप यहाँ पर अपनी क्वान्टिटी के अनुसार ले लीजिएगा, आपके बाल जितने लंबे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अपने लेंथ पर भी अप्लाई करूँगी इसलिए। फिर उसके बाद से नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ, गाइज मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, ये नूपुर हिना मेहंदी बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ करो, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो आपके बाल बहुत स्मूथ सिल्की शाइनी होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा है हिना मेहंदी नूपुर का। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारी प्रोवाइड करी हुई है आप लोग को, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, जो जो मुझे मिले हैं, मैंने सबका लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नूपुर मेहंदी की मैंने 4 से 6 चम्मच के करीब ली है। उसके बाद से मैं यहाँ पर फ्लैक्सीड डाल रही हूँ। फ्लैक्सीड इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि दीदी हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं। तो गाइस देखो, घर की जो चीज़ें होती हैं, जो देसी चीज़ें होती हैं, उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं करती हैं, करती हैं, बट टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आप फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हो, इसी पैक में यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जेल बना करके भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड ली है, मुझे क्वान्टिटी का पता है इसलिए मैं मेज़र नहीं करती हूँ कभी भी, बस ऐसे ही डाल लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं। तो जो पैक मैं लगाती हूँ अपने, वो मैं अपने हस्बैंड को भी लगाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, और जो बच जाता है तो मेरे बालों में कितना भी मैं पैक बना लूँ ना, कम ही पड़ जाता है। और पता है ज़्यादा पैक लगाती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वेटेड हैं बहुत ज़्यादा मेरे बाल, तो इस वजह से पैक से और भी भारी हो जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें लगती हैं तो उनसे भारी हो ही जाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कलौंजी जो होता है ना, अनियन सीड, वो डाला है। इसकी भी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने 2 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आंवला पाउडर। मेरे पास साबुत भी रखा है, बट मैंने कहा चलो आंवला पाउडर डाल देती हूँ, ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इनको, है ना। बस इसको आपको सुबह उठ करके एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, और अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, मैं नॉर्मल वाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, थिक नहीं है, घने नहीं हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर ग्रीन टी का वाटर यूज़ कर सकते हो, और चावल का पानी भी यूज़ कर सकते हो, फेन्युग्रीक का वाटर यूज़ कर सकते हो, मतलब आप कोई भी यहाँ पर अच्छा वाटर यूज़ कर सकते हो, लेवेंडर टोनर ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हो। इसमें आप अनियन जूस भी ऐड कर सकते हो, और आलू का जूस भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास है तो 4 से 5 चम्मच आप दही का जो पानी होता है ना, तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे दही जमाते हैं तो पानी उसमें आता है ना थोड़ा बहुत, जैसे हम दही को निकालते हैं चम्मच से कट करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है, तो वो भी पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मुझे इस तरीके से ही पैक ये अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी हैवी हैं और ऑलरेडी घने हैं, लंबे हैं, तो मैंने यहाँ पर चावल का पानी वगैरह नहीं ऐड किया है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि उससे आपके बाल जल्दी जल्दी घने होंगे और लंबे भी होंगे। तो मेरे जो इन लेंथ है अभी के लिए बहुत है, क्योंकि मेरी ना हालत टाइट हो जाती है जब मैं ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, पैक वगैरह करती हूँ, तो मेरी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि बहुत देर लगती है ऑयलिंग करने में, टोनर लगाने में, पैक लगाने में। पैक टोनर लगाना
तो बहुत महाभारत हो जाता है। जब बेबी आते हैं ना, आशीष आते हैं, तभी मैं लगाती हूँ शाम को ही, और फिर रात में 2 से 3 घंटे बाद धोती हूँ। तो 10, 11, 12 बजे मैं पैक धोती हूँ अपने। कभी कभी तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है, कभी 2 से 3 बज जाता है बाल धोने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहूँगी यार, देखो करने से सारी चीज़ें होती हैं, नहीं करोगे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। करोगे आप तो मेहनत तो लगती है, बट गाइज ये है, एक बार मेहनत कर लोगे ना आप तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो यार देखो, हम ना जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे ना, 1 साल करते थे, उसके बाद ही पेपर देते थे। तो यार मैं आपसे 1 साल नहीं कहूँगी, मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगी कि 6 महीने करो, 6 महीने बाद आप खुद ही अपने बालों की केयर करना सीख जाओगे, और खुद आप हेयर केयर के जो मास्टर होते हैं ना, वो ही बन जाओगे। तो आप खुद से ही सारी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि कोई भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नई चीज़ अपने बालों में लगाने के लिए इंसान के पास डेयर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो अप्लाई करे, मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बंदा डरता है, सोचता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मत ट्राई कीजिएगा, ये सब मैं हूँ आप लोग को बताऊँगी। जो नए चीज़ें मैंने मंगाई हैं उसका भी मैं आप लोग के साथ में पैक जल्दी जल्दी शेयर करना चालू करूँगी। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि 1 महीने यूज़ कर लूँ या फिर जून तक ही इसको यूज़ करूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। फिर संडे में जो पैक लगाऊँगी मैं, वो मैं शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और अभी ये पैक मैं लगाऊँगी, कल तो ट्यूसडे है, तो यहाँ पर मैंने 2 एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया है, यलंग एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो जो संडे में पैक लगाऊँगी वो भी वीडियो आएगी, और ये पैक भी आप ये लगाइएगा एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको लगा करके। और आफ्टर बिफोर की फ़ोटो भी लगाइए, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पैक है अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 एसेंशियल ऑयल ऐड किए थे, तो उसकी मैंने 10 10 ड्रॉप्स डाली है। आप भी यहाँ पर 2 से 3 ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 4 कर रहे हो तो आप दोनों की, चारों की 5 5 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जिनको हीटिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फेस टू फेस बातें कर लेते हैं, पैक रेडी है हमारा। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो भृंगराज का जो पैक है वो बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। और जब ये आपका पैक आपका बनके रेडी हो चुका है, इस तरीके से आप इसको बना के रख दीजिए। मॉर्निंग में आपको अपने बालों में अप्लाई करना है 2 घंटे के लिए, तो आप इसको यूज कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। 2 महीने यूज कीजिए, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, आपको जैसा ठीक लगे, जैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आप मुझे शेयर कीजिएगा। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं वो यहाँ पर भृंगराज के सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनके बाल यहाँ से उड़ गए हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी सीरम शेयर किया हुआ है, तो वो सीरम मेरा यूज करें, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत से लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।